हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 24 और उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में। पिछले दो वीडियोज में जो 5.1 के सॉल्यूशंस के मैंने दो वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, उसमें मैंने 23 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आप नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। अगर आपने 23 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है देन बेटर, और अगर आपने नहीं किया है तो आप उसको निश्चित रूप से देख लेंगे तो बेहतर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने उसमें समझा दिया है। बात करते हैं 24 क्वेश्चन 24 के बारे में और उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन मैं बता दूं कि मैं पंकज सिंह और आप जो वॉच कर रहे हैं वीडियो, वो ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वॉच कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो पहले तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन जरूर पुश कर देंगे, ताकि कोई भी वीडियो जो आपके लिए होगा, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आप एयरफोर्स जेई मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, एनडीए की तैयारी करने वाले हैं, तो आपको बेहतर बेनिफिट मिलेगा इस चैनल पे। बहुत सारे वीडियोज जो आपके बेनिफिट होंगे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन बटन पुश कर देना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात करते हैं क्वेश्चन 24 के बारे में। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि गिवन फंक्शन इज समथिंग, हमको कंटिन्यूटी की बात करनी है, इस पे कंटिन्यूटी चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। आप देखें फंक्शन ब्रेक किस पे हो रहा है, जीरो पर। फंक्शन ब्रेक किस पर हो रहा है, जीरो पर ब्रेक हो रहा है, तो हम कंटिन्यूटी चेक किस पे करेंगे, जीरो पर करेंगे। तो हम यहां पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब थोड़ा गौर से देखिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 मींस आइदर x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। मतलब दोनों केस में हमको यही फंक्शन मिल रहा है, लेस देन जीरो के लिए भी हमको यही फंक्शन और ग्रेटर देन जीरो के लिए भी मुझे यही फंक्शन। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे, क्योंकि दोनों वैल्यू दोनों टाइप में फंक्शन सेम है, लेफ्ट साइड के लिए भी फंक्शन वही है, राइट साइड के लिए भी फंक्शन वही है, तो हम लिमिट वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x कितना है आपके पास, x स्क्वायर साइन 1/x। क्लियर? क्योंकि यहां पे छोटी सी बात बता रहे हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0 मींस x टेंड्स टू 0, ये बात समझ गए नहीं आपको? क्लियर? तो टेंड्स टू 0 पर हमने ये फंक्शन ले लिया। अब यहां पे डायरेक्ट लिमिट हम पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट इसलिए पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 0/0 के फॉर्म पर नहीं है, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी के फॉर्म पर नहीं, डिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे साइन 1/x जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 0 स्क्वायर्ड और यहाँ पे कितना होगा साइन 1/0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन 1/0, साइन 1/0 की जब हम बात करेंगे, 1/0 की तरफ आप जब जाएंगे तो देखेंगे, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, कंफ्यूज नहीं होना है। 1/0 इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, साइन का एंगल कुछ भी हो, साइन का एंगल कुछ भी हो, द वैल्यू ऑफ साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। साइन का मैक्स वैल्यू 1 होता है और मीन वैल्यू -1 होता है। क्लियर? तो साइन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लाई किसके किसके बीच में करेगा, -1 और 1 के बीच में। तो जो भी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगा, वो कोई भी वैल्यू हो, वो एक डेफिनेट वैल्यू होगा, और अगर उस डेफिनेट वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट होगा विल बी इक्वल टू 0 फाइनली। तो हम यहां पे इस बात को लिख देते हैं कि 0 यहां पे हो जाएगा इनटू यहां पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये कहां से कहां के बीच में ऑसिलेट करेगा, -1 टू 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑसिलेट्स -1 एंड 1। क्लियर? यहाँ पे अब देखिए, जो भी वैल्यू इस -1 और 1 के बीच में होगा, जो भी वैल्यू हो, वो वैल्यू एक डेफिनेट नंबर होगा, और जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, इक्वेशन 1। बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की, और वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या लिखेंगे, एक 0 लिखेंगे, एक x इज इक्वल टू 0 वी हैव 0, तो यहाँ पर वैल्यू कितना देंगे, 0, इक्वेशन कर देंगे सेकंड, और आप लिख के यहां पर क्लियरली लिमिट
x tends to 0, function of x is equal to function of 0. इस f का at x is equal to 0, limiting value और actual value both are same. दोनों सेम है, it means what? इसका क्या मतलब हुआ? Then imply f is continuous at x is equal to 0. क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की. क्वेश्चन 25 बोल रहा है कि examine the continuity of f where f is defined by यही फंक्शन है. मुझे कंटिन्यूटी की बात करनी है. इस फंक्शन की कहां पे ब्रेक हो रहा है? जीरो पर ब्रेक हो रहा है. तो हम कंटिन्यूटी चेक कहां करेंगे? जीरो पर करेंगे, क्योंकि मुझे सब हो भी सकता है. तो कहां पे होगा? जीरो पे चेक, जीरो पे होगा. तो डेफिनेटली हम जीरो पर चेक करेंगे. अब यहां पे मैंने लिखा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. ध्यान दीजिएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब मैंने तुरंत पहले बताया था, आइदर लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, और दोनों केस में मुझे सेम फंक्शन मिल रहा है. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट वैल्यू निकाल देते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के चक्कर में ना पड़ के हम डायरेक्ट लिमिट वैल्यू निकाल देते हैं. क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब? जब लेस देन जीरो के लिए हमको अलग फंक्शन मिले और ग्रेटर देन जीरो के लिए मुझे अलग फंक्शन मिले, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालते, राइट हैंड लिमिट अलग निकालते. लेकिन चूंकि मुझे दोनों टाइम में फंक्शन सेम मिल रहा है, इसलिए हम लिमिट वैल्यू निकालेंगे. चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितना है? sin x minus cos x है. देख लीजिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे लोग, कितना हो जाएगा? sin 0 माइनस कितना हो जाएगा? cos 0, sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू -1, वैल्यू -1. इक्वेशन कितना? फर्स्ट. अब अगर हम यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो कितना f 0 वैल्यू कितना मिलेगा at x is equal to 0? -1. इक्वेशन कितना? सेकंड. देख लीजिए लिमिटिंग वैल्यू कितना? -1, और यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना? -1. तो इस बात को सॉल्व कर देते हैं क्लियरली. यहां पे लिमिट x tends to 0 फंक्शन ऑफ x is equal to फंक्शन ऑफ 0, यहां पे hence f is continuous at x is equal to 0. Continuous at x is equal to 0. Question 26 जो function given है मैंने उसको लिख दिया है. Question क्या कर रहा है कि find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point in exercise 26 to 29. जो भी questions हैं उसको indicated point पर continuous मुझे लेकर चलना है और मुझे k का value बताना है. मतलब k का value मुझे इस तरह से दिखाना है कि वो indicated point पे, जो भी point indicated है उस पे वो क्या हो? Continuous हो. यहाँ पे indicated point क्या है? x is equal to pi by 6 है. Indicated point क्या है? x is equal to pi by 2 है, sorry, pi by 6 मैंने बोल दिया, pi by 2 है. ओके, तो कंटिन्यूटी मुझे चेक कहाँ करना है? पाई बाय टू करना नहीं है, कंटिन्यूअस है. मुझे क्या बताना है? k का वैल्यू बताना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पाई बाय टू पर लिमिट वैल्यू निकालेंगे. अगर हमारे पास पाई बाय टू से लेस के लिए अलग फंक्शन, ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन और इक्वल के लिए अलग फंक्शन, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग अलग निकालना होगा. लेकिन अगर लेफ्ट हैंड के लिए अगर x is equal to pi by 2 है, तो अगर less than pi by 2 के लिए वही फंक्शन, greater than pi by 2 के लिए वही फंक्शन, अगर दोनों केस में मुझे फंक्शन सेम मिल रहा है तो मुझे डायरेक्ट लिमिट निकालना है. ये पीछे के दो क्वेश्चंस में लगातार मैंने बताया, इसमें भी बता रहे हैं. चलिए बात करते हैं हम लोग इस पे at x is equal to pi by 2 लिमिट वैल्यू निकालते हैं. लिमिट कितना? x tends to pi by 2 कितना है? k cos x ओवर कितना है? पाई माइनस 2x. क्लियर? चलिए लिमिट का क्वेश्चन है. लिमिट का क्वेश्चन सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? यहां पे लेट करना होगा. लेट याद कीजिए, x टेंड्स टू समथिंग, टेंड्स टू समथिंग का केस है. तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस h, देन इंप्लाई h टेंड्स टू 0. मैंने सपोज कर लिया h टेंड्स टू 0. ऐसा कुछ नहीं है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकाल के राइट हैंड लिमिट ना निकाल के अगर लिमिट वैल्यू निकाल दिया
तो ही क्वेश्चन बनेगा। आप चाहे तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालिए, राइट हैंड लिमिट भी निकालिए और दोनों को इक्वेट करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए x tends to pi by 2 plus h, then imply x tends to 0. Now limit, अब यहाँ पे हमने चेंज द सम, पूरे यहाँ पे पैटर्न को चेंज कर देंगे, पूरे यहाँ पे सिस्टम को चेंज करेंगे। अब अभी क्या था, x tends to pi by 2 था, अब हम क्या लिखेंगे, x tends to 0। तो जब लिखेंगे h tends to 0, so कर देते हैं यहाँ पे, now limit x tends to pi by 2, यहाँ पे k cos x over pi minus 2x है, limit x tends to pi by 2, अब तो चेंज करेंगे ना, h tends to 0, चलिए k कांस्टेंट, cos x के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, pi by 2 plus h, pi by 2 plus h divided by, देख लीजिए यहाँ पे pi माइनस 2 इंटू x के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई बाय 2 प्लस h। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो लिखेंगे माइनस k sin थीटा, sin h डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल, माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए, और यहाँ पे माइनस 2 देख लीजिए, माइनस 2h, माइनस 2h हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2h, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h इनटू k बाई 2, k बाई 2, जब लिमिट पुट करेंगे तो आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो सॉरी 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 1 इंटू के बाई 2, सो रिजल्ट कितना हो जाएगा, के बाई 2 इक्वेशन फर्स्ट। तो इस पॉइंट पर फंक्शन का हमने लिमिट वैल्यू निकाल लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की, तो कितना है यहाँ पे एंड, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 की बात करेंगे, तो हम लोग के पास कितना है, 3 है, इक्वेशन कितना, सेकेंड, क्लियर है। चलिए यहां पे लिख देते हैं, यहां पे ठीक है, यहां पे सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, सो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 fx should be equal to function of pi by 2, अगर continuous है तो something should be equal to something, दोनों same होना चाहिए, अच्छा अगर दोनों same होना चाहिए तो ये value कितना है हमारे पास, k by 2 है, और equal to function of pi by 2 कितना है, 3 है, 3 है, then imply k is equal to कितना हो जाएगा, 6, तो value of k should be equal to 6, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इंडिकेटेड पॉइंट पर, तो यहां पे x का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, इज इट क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, fx इज इक्वल टू समथिंग, हम लोगों को कंटिन्यूटी देखना है x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, कंटिन्यूअस है, k का वैल्यू बताना है। बात करते हैं एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, जब पाई बाय 2 की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकालेंगे अब, क्योंकि x is less than 2 के लिए मेरे पास अलग फंक्शन है और greater than 2 के लिए मेरे पास अलग फंक्शन है, क्लियर, x is less than 2 के लिए अलग फंक्शन और greater than 2 के लिए मेरे पास अलग फंक्शन है, तो यहां पे pi by 2 सॉरी 2, तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, l h m, लेफ्ट हैंड लिमिट l h m कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, इस पॉइंट पर 2 पर 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h इज लेस देन 2, 2 माइनस h जो है वो लेस देन 2 है, तो हमको ये वाला फंक्शन अप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे लोग, k इनटू x के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 माइनस h d होल स्क्वायर,
लिमिट पुट कर देंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, तो कितना हो जाएगा k इनटू 2 माइनस 0 दी होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4k इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। बात करते हैं RHL की। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h इज ग्रेटर देन 2, 2 प्लस h जो है वो 2 से बड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर कौन सा फंक्शन हम लोग लेंगे, यहां पर 3 लेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे 3, और तब यहां पे लिमिट कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना, तो लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 3, इक्वेशन कितना हो जाएगा सेकंड। अच्छा, एंड अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें, एक एट x इज इक्वल टू 2 तो हमको क्या लेना होगा kx स्क्वायर, तो यहां पे कितना लेना होगा k into 2 का स्क्वायर बोले तो 4k। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे लोग, सिंस f इज कंटीन्यूअस, f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, सो कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, देख लीजिए यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h शुड बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, ये सब इक्वल होना चाहिए। अच्छा, जब सब इक्वल होना चाहिए तो देन इंप्लाई देख लीजिए, इन दोनों का वैल्यू सेम है फंक्शन ऑफ 2, और यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए वैल्यू सेम है 4k, तो 2 टाइम 4k लिखना जरूरी नहीं है, तो हमने लिख दिया 4k इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है, तो हम लोग यहां पे k का वैल्यू कितना लिख देंगे k इज इक्वल टू 3/4। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन 28। At x is equal to pi by 2, fx is something, तो हम लोग चेक किस पे करेंगे, at x is equal to pi, for x is less than pi, fx is something, and for x is greater than pi, fx is something, less than pi और greater than pi दोनों के लिए function हमारे पास अलग अलग है, different है, तो हम left hand limit अलग निकालेंगे, right hand limit अलग निकालेंगे, value of function अलग निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पे l, h, l, left hand limit, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ध्यान देंगे पाई माइनस h रिप्रेजेंट्स लेस देन पाई, तो पाई माइनस h इज लेस देन पाई, तो फंक्शन ये यूज करेंगे हम लोग k इनटू पाई माइनस h प्लस कितना होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा लिमिट का, तो लगाएंगे तो कितना होगा k इनटू पाई माइनस 0 प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा k पाई प्लस 1, इक्वेशन कितना क्लियर। अगर हम बात करते हैं यहां पे r h l राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 x का वैल्यू पाई से बड़ा, तो x का वैल्यू जब पाई से बड़ा तो कौन सा फंक्शन cos x, तो क्या यूज करेंगे लोग cos पाई प्लस h, लिमिट पुट करें, लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा cos पाई हो जाएगा और cos पाई का वैल्यू होगा माइनस 1, इक्वेशन कितना होगा सेकंड। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की, तो कितना पाई पर बात करनी है पाई, ये बात करेंगे पाई के इक्वल अगर x है तो ये वाला फंक्शन, तो कितना लिखेंगे k पाई प्लस 1, इक्वेशन कितना सिंस f इज कंटीन्यूअस, f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, सो क्या यहां पे जी लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई माइनस h शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस h should be equal to 0 function of pi, then imply दो वैल्यू सेम है k pi plus 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यूज दोनों सेम है, तो सिंगल टाइम दोनों को लिख लेते हैं, यहां पे कितना k pi plus 1 is equal to RHL कितना आया है minus 1, देख लीजिए 1 को राइट ट्रांसपोज करेंगे minus 1, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा minus 2/5, ये हम लोगों का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन 28 के बाद
क्वेश्चन 28 के बाद तुरंत जो 29 है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम छोड़ेंगे ये आप लोगों को खुद से बनाने के लिए, आप इसको बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि वो बना या नहीं बना। अगर बना तो आप डन जरूर दिखाएंगे कि हाँ मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन 29 की बात करेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर 29 मैंने बोल दिया, क्वेश्चन 29 नहीं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन एफ जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, और मुझे एफ डिफाइंड है और मुझे ये कंटिन्यूअस भी है और मुझे ए और बी का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कंटिन्यूअस है तो हमको देखना होगा कि फंक्शन ब्रेक किस पर हो रहा है। तो ये फंक्शन ब्रेक किस पर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 पर ब्रेक हो रहा है, और ये फंक्शन ब्रेक किस पर हो रहा है, 10 पर ब्रेक हो रहा है। तो हमको कंटिन्यूटी की बात किस पे करनी होगी, 2 पर और 10 पर, बारी बारी से। एक इक्वेशन हमको जब हम 2 पर कंटिन्यूटी शो करेंगे उस वक्त हमको मिलेगा ए और बी में इक्वेशन, और एक बार 10 पे जब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की तो उस वक्त मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे एट किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2, चलिए एल एच एल लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच, x is less than 2 because 2 minus h is less than 2, x is less than 2 when x is less than 2 fx is equal to 5। तो यहां पर लिमिट x h tends to 0 यहां पर कितना हो जाएगा 5, कांस्टेंट फंक्शन है लिमिट पुट करेंगे तो 5 आएगा। बात करते हैं RHL लिमिट h tends to 0 फंक्शन ऑफ कितना है 2 plus h। अच्छा बताइए x is equal to 2 plus h, 2 plus h is greater than 2, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा कहां मुझे दिख रहा है, x यहां दिख रहा है, तो मुझे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ax plus b, लिखते हैं यहां पे, लिमिट h tends to 0, a into x का वैल्यू कितना है, 2 plus h, तो 2 plus h, अब plus कितना b, लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो h का वैल्यू 0, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड 0/0 के फॉर्म पर नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2a plus b, इक्वेशन कितना हो गया सेकंड, है ना। अच्छा अगर बात करते हैं यहां पे f ऑफ 2 की, तो देखिए at x is equal to 2, x का वैल्यू जब हम 2 लेंगे इक्वल टू 2 लेंगे तो fx कितना होगा 5 होगा, तो रिजल्ट कितना 5, इक्वेशन कितना होगा थर्ड। अच्छा अब आप बताइए f is continuous है, f is since f is continuous, f is continuous, so यहाँ पे कितना हो जाएगा then imply then fx is, f लिख देते हैं then f is continuous at x is equal to कितना है जी 2 है, x is equal to 2। अगर fx continuous है तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो मैंने लिखा यहां पर कि सिंस f इज कंटिन्यूअस देन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, यहां पर क्या हो जाएगा यहां पे देन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 आल्सो, इस पर भी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा जब कंटिन्यूअस होगा तो क्या लिखेंगे लोग, सो यहां पे सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h should be equal to limit h tends to 0 function of 2 plus h should be equal to function of 2, ये तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर कंटिन्यूअस है तो सेम होना चाहिए। अच्छा सेम होना चाहिए तो ये वैल्यू कितना 5, देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट 5 और राइट यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 5, दोनों सेम है तो एक ही बात लिखेंगे, और यहां पे 2a plus b तो वैल्यू कितना मिलेगा 2a plus b is equal to कितना 5, और यहां पे इक्वेशन हमने इसको सपोज कर लिया है। मैंने बताया था ना कि जब पॉइंट 2 पर जब कंटिन्यूटी हम शो करेंगे तो उस वक्त हमको ए और बी में एक इक्वेशन मिलेगा, और सिमिलरली यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे जब x is equal to 10 पे कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो वहां पर भी मिलेगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो मुझे ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं 10 पर, इक्वल टू 10 l h l लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 10 माइनस h, x का वैल्यू 10 माइनस h देख लीजिए 10 माइनस h इज लेस देन 10, 10 से छोटा है स्मॉल है यहां पर x इज लेस देन 10, तो फंक्शन ये अप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0
a इंटू टेन माइनस h प्लस बी। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा ना, अरे जीरो बाई जीरो के फॉर्म पर है ही नहीं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या लिखेंगे, एज का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो एज जीरो हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, टेन ए प्लस बी, और इक्वेशन इसको कर देते हैं फोर। क्लियर ना। अच्छा जी, अब बात करते हैं आरएचएल की। आरएचएल की लिमिट एज टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ टेन प्लस एज, है ना, टेन प्लस एज। देख लीजिए लिमिट एज टेंस टू जीरो, अच्छा बताइए x is equal to 10 plus h and 10 plus h is greater than 10, 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा के लिए fx कितना है 21। देख लीजिए constant function limit put कीजिएगा, value उतना ही आएगा 21। equation कितना था। अच्छा बात करते हैं हम यहाँ पे and function of 10 की बात करते हैं। f at x is equal to 10, when x is equal to 10, when x is equal to 10, here fx is equal to 21। तो हम यहाँ पे fx का वैल्यू क्या ले लेंगे 21। देख लीजिए 21, इक्वेशन कितना हो जाएगा 6। अच्छा ये दोनों वैल्यू सेम आ गया, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों सेम आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस अस एट x इज इक्वल टू 10, है ना यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट h tends to 0 function of 10 plus h, 10 plus h should be equal to limit h tends to 0 function of 10 minus कर देते हैं पहले, फिर plus h is equal to function of 10, equal होना चाहिए ना। अच्छा equal होना चाहिए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये value कितना है 10 a plus b, 10 a plus b, और ये दोनों value कितना है 21, 21, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा बी, है ना, फर्स्ट इक्वेशन कितना ए याद है ना, कितना था 2a plus b is equal to 5 था। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे इसको बना लेते हैं ब्लॉक ऐसे, तब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम a माइनस बी से, a कितना है 2a plus b is equal to 5, आपके पास होगा वीडियो जाके पीछे में देख, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा आराम से। देखिए यहाँ पर इक्वेशन कितना, यहाँ पर था a और b कितना है आपके पास 10 a plus b is equal to 21, 10 a plus b is equal to 21, minus 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 cancel, minus 8 a is equal to minus 16, then imply a is equal to 2, 8 2 जा 16, 8 2 ना 16। अब बोले यहाँ पे from, अगर हम फर्स्ट की बात करें a, not first ना a, तो कितना 2 into a का वैल्यू 2, अब प्लस b इज इक्वल टू कितना है 5, सो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 2 2 जा 4 जाके माइनस हो जाएगा, और इस तरह से आपको a का वैल्यू कितना मिला 2 और b का वैल्यू मिला 1, आंसर क्लियर। तो अब इसके बाद जो हम लोगों को बात करनी है क्वेश्चन 31, 32, 33, ये कंपोजिशन पर है, तो कंपोजिशन पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट करें और तब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 31। दिया हुआ है cos x स्क्वायर, क्लियर, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हमको बताना है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, दो तीन तरीकों से आप बता सकते हैं। पहला तो थोड़ा सा अगर हम बताए हुए हैं कंपोजिशन, तो उसका यूज तो करना बनता है। कंपोजिशन में मैंने बताया था, कंपोजिशन कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड g इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस है देन देयर कंपोजिशन फंक्शंस, देन देयर प्रोडक्ट फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूअस। जो कंपोजिशन ऑफ f एंड g होता है इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ f एंड g, इज इट क्लियर। तो f और g अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं तो दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पे देख लीजिए मैंने क्या बोला कि if if f and g g are a continuous function or continuous are continuous then then gof fof fof, ठीक है ना, ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस, दोनों का कंपोजिशन, चाहे वो आप f और g का कंपोजिशन निकाले या g और f का कंपोजिशन निकाले। गौर से देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लेट करना चाहे लेट
तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एच एक्स इज इक्वल टू लिख दिया कॉस एक्स, एंड यहाँ पे जी एक्स इज इक्वल टू मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर। नाउ अगर हम यहाँ पे हॉफ की बात करें, हॉफ ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अच्छा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। आप कहाँ आ गए, एच पर, देख लीजिए यहाँ पर एच पर क्या कर रहा है कि जितना इनपुट है उसको कॉस का एंगल बना दीजिए। इनपुट कितना है, एक्स स्क्वायर, तो कॉस का एंगल बना देंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर। और कॉस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कॉस एक्स स्क्वायर किसका वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू है। क्या क्लियर हुआ कि एफ यहाँ पर इज एफ इज अ कंपोजिशन, एफ इज कंपोजिशन फंक्शन, एफ इज कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन फंक्शन ऑफ किसका किसका, एच एंड जी, एच एच एंड जी। नहीं समझ में आया, एक इज कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एच एंड टी, एच एंड जी। अब आप देखिएगा, वी नो दैट, एज वी नो दैट कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड पॉलीनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हर पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हर पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो बताइए अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो दोनों का कंपोजिशन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे इस बात को, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट दैट एफ सॉरी कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन is continuous, continuous in its domain, in its domain, domain, and mode, and polynomial function, and any polynomial function, and any polynomial function is continuous at या कंटिन्यूअस फॉर एनी एक्स, फॉर एनी एक्स। क्लियर, तो जब ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस तो दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो यहां पे लिख देते हैं लोग, यहां पे सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, सॉरी सिंस एच, सिंस सिंस हियर एच इज कंटिन्यूअस, एच इज कंटिन्यूअस, एच लिख देते हैं, एच एक्स इज इक्वल टू कितना है, cos x है, एंड यहाँ पे g इज इक्वल टू कितना है जी, बोलिए एक्स स्क्वायर है, ये पॉलीनोमियल है और ये क्या है, कोसाइन फंक्शन है, आर कंटिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, हैंस यहाँ पे हैंस, हैंस h ऑफ g ऑफ x दैट इज हॉग ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स h also continuous, each also continuous, है ना बात। आप चाहें तो आप कोई arbitrary point लेकर भी चेक कर सकते हैं आराम से, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं उस पे चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप अगर इसका यूज करेंगे तो कंपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रिलाय होते रहेगा। क्लियर ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। fx कितना है, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो आप यहां भी अब समझा के निकल सकते हैं, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सिमिलरली आपको बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी देयर, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स, एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। तो जो भी कंटिन्यूअस, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन वेयर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जहाँ पे उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो से डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो बातें बताई गई हैं
उसका हम जो कि कंटिन्यूटी का जो लेक्चर 2 है उसमें इन सारी बातों का जिक्र किया है। तो अगर मेरे कंटिन्यूटी के लेक्चर को आपने नहीं देखा है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो फिर बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, आप हमारे रूटीन के साथ फिट नहीं हो पाएंगे। तो हमारे रूटीन के साथ फिट होने के लिए आपको जो मेरा लेक्चर है उसको देख लेना होगा, ताकि जो हम बता रहे हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आए आपको। कॉसेक्स है तो देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे हम एच एक्स कर सकते हैं, एच एक्स कितना कॉस एक्स यहाँ पे, अच्छा अगर हम यहाँ पे जी एक्स चाहें जी एक्स तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गॉ निकालते हैं गॉ ऑफ एक्स, ठीक है, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स करना होगा हम लोगों को, अच्छा जी ऑफ एच ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है जी कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स मैंने ले लिया। अच्छा जी पे आ गए इनपुट, जितना इनपुट है उसका मॉडुलस, तो इनपुट कितना है cos x, तो हमको क्या लेना होगा मॉडुलस इसका cos x, और ये किसका वैल्यू है fx का, है कि नहीं है। अब आप बताइए cosine फंक्शन अभी मैंने बताया कंटीन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरीवेयर, हर जगह कंटीन्यूअस होता है, तो cosine फंक्शन कंटीन्यूअस है, मॉडुलस फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। तो ये आप लिखें, अब ये हम नहीं लिखेंगे, इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर इतना मेहनत मैंने कंटीन्यूटी पे किया है आपके लिए तो थोड़ा मेहनत आप भी खुद के लिए कर सकते हैं। तो ये छोटी बातें अब आप खुद को करके अपना कॉपी वर्क करेंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा 33 में कह रहा है कि साइन मॉडुलस ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस फंक्शन, फिर वही है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 33 में साइन कितना है मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने इसको एफ एक्स कह दिया, अगर हमने इसको एफ एक्स कह दिया 33, तो आप यहाँ पे लेट कीजिए, लेट कितना जी एच एक्स कर देते हैं, एच एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स, अच्छा यहाँ पर जी एक्स कितना हो जाएगा, जी एक्स कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स। तो अगर हम यहाँ पे हॉग ऑफ एक्स निकाल देते हैं, एच और जी का कंपोजिशन निकालते हैं, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा एच जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एक्स आ गया। अब आप कहाँ पे आ गए एच पर, तो एच क्या करता है कि अगर इनपुट एक्स है तो उसको एंगल बना दीजिए किसका साइन का, तो यहाँ पे इनपुट कितना है मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इसको इनपुट बना देंगे पहले एंगल बना देंगे किसका साइन का, तो साइन मॉडुलस ऑफ एक्स, साइन मॉडुलस ऑफ एक्स किसका वैल्यू है एफ एक्स का वैल्यू है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ एक्स, तो क्लियर हो गया ना कि एफ एक्स जो है वो एच और जी का कंपोजिशन है, एफ एक्स जो है वो एच एंड जी का कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी है या नहीं है। अच्छा आप गौर से देखिए साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो दोनों का कंपोजिशन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, आप क्या लिखेंगे इस बात के लिए कि एज वी नो दैट साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन एंड मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, सो देयर कंपोजिशन फंक्शन, इसलिए उसका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, हेंस एफएक्स इज कंटिन्यूअस, एफएक्स इज कंटिन्यूअस, दैट्स ऑल। तो इतना आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मॉडुलस का है वो भी एक लाइन का है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको तब तक नोट कीजिए। क्वेश्चन जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 34 एक लाइन, आप देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या है, ये क्या है मॉडुलस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है, ये क्या है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये भी मॉडुलस फंक्शन है, और ये भी कंटिन्यूअस है, तो जब दोनों कंटिन्यूअस है अगर इसको हम लोगों ने मान लिया एच एक्स, अगर इस फंक्शन को मान लिया, और अगर इसको मैंने बोल दिया जी एक्स, और ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, मॉडुलस फंक्शन कोई भी हो कंटिन्यूअस होता है, इज इट क्लियर, डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं कर रहे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए अगर ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी कंटिन्यूअस, फाइनली ये भी कंटिन्यूअस होगा, क्लियर, तो आप ऐसे बता देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉपी वर्क करना चाहिए तो इसका कॉपी वर्क करके भी हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए इसको हटा देते हैं। तीन कंडीशन व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन, चूंकि ये फंक्शन ब्रेक कहां पे होगा जीरो पर, और ये फंक्शन कहां पे होगा माइनस वन पर, तो जीरो और माइनस वन में छोटा कौन है माइनस वन, तो पहले माइनस वन का कंडीशन ले लेते हैं, एक्स इज लेस देन माइनस वन, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन तो मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा माइनस एक्स,
माइनस माइनस, और मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, ये भी होगा माइनस x प्लस 1, क्लियर। दूसरा केस देखिए यहां पे, दूसरा केस व्हेन x इज लेस और इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 1 एंड लेस देन 0। अगर x का वैल्यू हम 0 से छोटा और माइनस 1 से बड़ा और इक्वल लेते हैं तब यहां पे क्या केस आएगा, इसका रिजल्ट नेगेटिव ऑफ x और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये जिसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा प्लस, क्योंकि x का वैल्यू 0 से लेस में मॉडुलस ऑफ x क्या होगा नेगेटिव, लेकिन व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पे क्या लिखेंगे लोग, x प्लस 1। और यहां पे अगर थर्ड केस की बात करें व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 की बात करें तो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा प्लस और ये माइनस, इसका वैल्यू कितना होगा प्लस, तो x प्लस 1। अब यहां पे देख लीजिए यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे माइनस x, यहां पे माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, तो x x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कब, व्हेन x इज लेस देन माइनस 1, अच्छा माइनस x माइनस x माइनस 2x प्लस 1 होगा यहां पे। कब, व्हेन x इज लेस देन 0 ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 1, अच्छा माइनस x प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा यहां पे हो जाएगा माइनस 1, और यहां पे क्या लिखेंगे लोग, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए मैंने फंक्शन को पूरा ब्रेक करके लिख दिया, अब कंटिन्यूटी आराम से चेक कर सकते हैं क्योंकि इस पैटर्न पे आप कर चुके हैं। तो ये फंक्शन ब्रेक कहां कहां हुआ है, माइनस 1 पर ब्रेक हुआ है, देख लीजिए माइनस 1 पर ब्रेक हुआ है और कहां पे हुआ है 0 पर हुआ है। तो मुझे कंटिन्यूटी चेक कहां कहां करना होगा, माइनस 1 पे चेक करना होगा और 0 पर चेक करना होगा। तो चलिए बात करते हैं किसके, माइनस 1 पे, एक पे चेक कर देते हैं, सेकेंड पे कौन करेगा, ऑफकोर्स आप करेंगे। अब चलिए यहां पे बात करना है मुझे एट x इज इक्वल टू किस पर, यहां पे माइनस 1 पे, माइनस 1 पे चेक करते हैं लोग, एल एच एल लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस 1 माइनस एच, फंक्शन ऑफ माइनस 1 माइनस एच, x इज लेस देन माइनस 1 तो कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, यहां पे 1 लेंगे लोग, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0 1 लेंगे, यहां पे कांस्टेंट फंक्शन है वैल्यू कितना होगा 1, इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अगर हम यहां पे RHL की बात करते हैं, RHL की बात करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस 1 प्लस h, क्लियर। तो देख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस h, x का वैल्यू माइनस 1 से क्या है बड़ा है, x का वैल्यू माइनस 1 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन, ये वाला। तो देख लीजिए यहां पे कितना, माइनस 2 इनटू x का वैल्यू माइनस 1 प्लस h, अब प्लस कितना 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लिमिट पुट करेंगे तो h का वैल्यू 0 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहां पे माइनस 1 तो यहां पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है कितना यहां पर माइनस 1 प्लस h, माइनस 1 प्लस h और यहां पे माइनस 2 है ना माइनस 2, देख लीजिए यहां पे एक गड़बड़ हुआ है, यहां पे माइनस होगा क्योंकि माइनस x माइनस x माइनस 2x अब माइनस प्लस माइनस 1 है ना, यहां पर मिस्टेक छोटा सा हुआ है ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे लोग, यहां पर माइनस 1 तो यहां पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1, तो देखिए रिजल्ट कितना आएगा 1, इक्वेशन कितना होगा सेकंड, है ना। अच्छा एंड अगर हम यहां पे वैल्यू ऑफ माइनस 1 निकालते हैं, फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट माइनस 1 निकालते हैं तो कितना होगा, एट x इज इक्वल टू माइनस 1, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 तो वैल्यू कितना है हमारे हम लोगों के पास माइनस 2x माइनस 1, x is equal to minus 1, then x is equal to minus 1, fx is equal to something. तो minus 2 into minus 1 up minus 1, minus minus plus 2 हो जाएगा, minus 1 is equal to 1. Equation कितना हो जाएगा? Third. और आप गौर से देख लीजिए, clearly, क्या लिखेंगे लोग? Clearly, from first, second and third, we get कितना जी, limit h tends to 0 function of minus 1 minus h, limit h tends to 0 function of minus 1 plus h,
इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस वन, तीनों इक्वल है, हेंस क्या है यहाँ पर, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस वन पे तो हमने चेक कर लिया, सेकंड पे मैंने पहले ही बोल दिया है कि सेकंड पे कौन चेक करेगा, आप लोग करेंगे, तो जीरो पर भी चेक कीजिए, जीरो पर भी कंटिन्यूअस दिखेगा। तो ये हुआ आपका कॉपी वर्क, अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं तो एक लाइन में मैंने बताया है कि ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, मतलब 5.1 को मैंने कंप्लीट किया, खत्म नहीं, कंप्लीट किया। खत्म का मतलब हमारा रिलेशन उससे टूट जाएगा, कंप्लीट का मतलब हमारा रिलेशन बना रहेगा। तो हमने कंप्लीट किया है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नेक्स्ट थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए, थैंक यू।